कि हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अपना रैली का नाम रखा है भव्य रैली नीतीश कुमार से लेकर के नरेंद्र मोदी तक कर रहा है, और हम गरीबों के पास उपयोगता नहीं के उसके बाद हम भव्य रैली करना चाहते हैं। हमारे साथ में मजबूरी है, हमारे साथ में लोग हैं, हमारी पार्टी है, हमारे फैसला है, तीन का पैगाम को हम लोग को पहुंचाना है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को जन्मदिन के लिए दावत किया था और आप लोग आए। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने में सिर्फ तीन पुस्तकों करना चाहता हूं। हमारे यहां के लोकल पॉलिटिशियन और हमारे बिहार के मुखिया और साथ साथ कोषाधान के मुखिया, कोषाधान विधानसभा के आज से कुछ दिन पहले दो बात कहकर के गए हैं, जरा फाड़ फाड़ कर धामन में 400 रोड बांध ली है। मैं उस विधायक को कहना चाहता हूं कि आपने 400 रोड बांध लिया है, कोई चार और काम बता दीजिए कि आपका रोड ठीक है। आपने तो विकास के नाम पर लोगों को बेकार बनाया है, गलत फाड़ फाड़ के उनके बाद है कि हमने 400 रोड बांधा। लेकिन ये बताइए कि आपका 4 भी रोड आज तक ठीक है? जनाब, मैं आपसे मुखातिब हूं कि आपने जो विकास किया है, मैं मानता हूं कि आपने विकास किया है, लेकिन विकास अपने लिए किए हैं, आप अपने भारत के लिए किए हैं, अपने माँ के लिए किए हैं। आपका चेहरा जिस घर का था, अपने चेहरे को बदलने के लिए विकास किया है, अपनी बोली को ऊंचा करने के लिए विकास किया है। गाड़ी पर चलते लाख है आप जैसे नेता पर, आपने लोगों को धमकाया, आपका धमकान को वापस लेंगे। आपने आज से एक हफ्ता पीछे तमाम पंचायत के प्रतिनिधि को धमकाया है कि इलेक्शन आने दीजिए, आप लोगों को मैं नंगा करूंगा। उसके जवाब में यह बंदा इशारा भी कहता है कि हमारे कोई जनप्रतिनिधि चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, खासतौर पर हमारे लीडर और सदस्य लोग है, उसको तुमने एक उंगली दिखाए, तुम्हारा उंगली को मैं छोड़ दूंगा। तुम बैंक के बात करते हो, जितने सारे मित्र हैं, मैं आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोगों का प्रोग्राम का और मैं कम से कम 24-25 आदमी को और बुलवाता, लेकिन क्या किया जाए, प्रशासन का भी हाल आ रहा है, डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं, और खास तौर पर हमारे वरिष्ठ लोग भी हर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का परवाह नहीं, उसको नियंत्रण रखिए। आप ज्यादा से ज्यादा इस बात के बारे में अपने लोगों को तबलीग कीजिए, अपने भाई को तबलीग कीजिए कि हर आदमी का नेता है।
अभी नहीं होता है। आज हमारा नेता इमामुल काजी को लेकर के बिहार के इस जमीन पर आए हैं तो हमको आप नाम बदल के कहना चाहते हैं ये बीजेपी का विजन, बीजेपी का एजेंट, तुम अपना हिसाब दो, तुम अपना हिसाब दो, तुम्हें मेरा भोट तो क्यों बेचा, वोट देने पर इतना आदमी तुम पर लगिया करेगा। आज ये लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में हमारे मजदूर भाई, हमारे विद्यार्थी भाई, हमारे उलमा भाई, हमारे मदरसा चलाने वाले उलमा भाई और हमारे कॉन्वेंट चलाने वाले तमाम शिक्षक लोग परेशान हैं, हमारे किसान लोग परेशान हैं। इसका जवाब कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री, आपके पास किसी चीज का कोई एग्रीमेंट नहीं, आप झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। एक मक्का का खेती आप लोग बस दो, हमारे बहुत भाई लोग थे, कुछ भाई लीज पर कुत्तों पर कट्टर जमीन लेकर तब मक्का की खेती किए। पिछले दिनों आज से 9 दिन पहले मैं भड़ाल गया था, हमारे एक बहुत ही मजबूत साथी और उसका स्थिति उतना नहीं था कि वो मक्का का खेती कर सके, लेकिन वो सबके दिल में घुसकर उस गफदार गांव के कुछ लोगों का जमीन को लेकर उन्होंने 4 बीघा मक्का लगाया था और मक्का का स्थिति हो गया कि उसका मक्का पानी में खत्म हो गया। आप भगवान साहिब के और अगल बगल के पंचायत के सभी लोग सुने होंगे, उसका नाम मजेपुर है, उस पर 1 लाख से ज्यादा कर्ज हो गया था। मैं बिहार सरकार की बहाली और अंधी सरकार को कहना चाहता हूं, क्या तुम मजेपुर भगवान को जिंदा ला सकते हो? उन्होंने अपना जान 1 लाख कर्ज के वजह से भागे तक करके मर गया। मैं बिहार सरकार के चट्टा रक्षक को कहना चाहता हूं, जो अपने आप को दलाली में शुमार करके रखा है, मैं उससे भी कहना चाहता हूं कि तुम इस मासूम के परिवार को चला सकते हो? इस मासूम के परिवार का आपका आंसू पोषने के लिए आए? आप सिर्फ आइएगा हर जगह बिस्कुट लेकर के और बिजुना लेकर के,